मिशन को लेकर के आज एसडीएम कार्यालय पे आई हैं, क्या मामला है पूरा? जी बिल्कुल, मैंने गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया था जिसका मतलब उसका फीस है 24,000। मैं पीजीआई चगर पानपुर मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया। चगर 24,000 तो मैंने जमा कर दिया था ऑनलाइन के तहत, ऑनलाइन के तहत मैंने जमा कर दिया। उसके तहत वो लोग जिस दिन हम लोग 17 तारीख को आए उस दिन कुछ भी नहीं बताया गया हम लोगों की इतना फीस जमा करना है। आज हम लोग आए हैं, अचानक मुझे फ़ोन किया गया है तो आज कह रहे हैं कि 19,000 फीस और जमा करना है। तो हम लोगों ने पूछा, ऑब्जेक्शन किया कि क्यों जमा कर रहे हैं इतना इतना, तो MBBS की भी फीस नहीं है, 40,000 MBBS की फीस है यहाँ पे, और हम लोग का पैरा मेडिकल है। तो कह रहे हैं कि ये सरकार की तरफ से अचानक से फीस बढ़ गई है। अचानक से फीस बढ़ने का क्या मामला है? एडमिशन से पहले क्यों नहीं बढ़ाते हैं ये सरकार, एडमिशन के बाद क्यों बढ़ा रहे हैं? तो हम लोगों ने प्रिंसिपल से ऑब्जेक्शन किया तो प्रिंसिपल ने कहा कि अतिरिक्त ये फीस बढ़ाया गया है। तो हम लोगों ने फिर कहा कि 19,000 आज जमा करवा रहे हैं, कल कुछ भी बोलेंगे तो कह रहे हैं कि हाँ सरकार जो भी एक्शन ले। तो हम कहें कि सरकार पहले क्यों नहीं एक्शन ले रही है, कल को 1,00,000 बोले 1,50,000 बोले कुछ भी हम लोग जमा करेंगे। तो जो निर्धारित फीस थी वो तो आप लोगों ने जमा कर दी? जो निर्धारित फीस है वो हम लोगों ने जमा कर दी है 24,000। उसके बाद अलग से मांग रहे हैं? अलग से भी, और 600 रुपये जिस दिन हमने डॉक्यूमेंट जमा, किसके खाते में मांग रहे हैं? प्रिंसिपल के। अच्छा, पर्सनल खाते में? प्रिंसिपल ने खुद बोला है कि मेरे खाते में आएगा। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि जितना ऑनलाइन फीस जमा हो उसी पे हो। ठीक। हम यहाँ इस तहसील में इस कारण से आए हैं कि हम अपने भाई का एडमिशन कराने चक्रपानपुर मेडिकल कॉलेज में आए थे, और यहाँ हमारे बच्चे ने, हमारे भाई साहब ने यहाँ पोटी में काउंसलिंग के द्वारा आए और ऑनलाइन फीस सारी चीज़ जमा करके आए यहाँ पे कि अब दाखिला के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम लोग आए थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आने के बाद जब बड़े बाबू के पास गए तो वो कहे कि ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ये सब होने के बाद भी आपको 19,000 भाई 19,000 फीस लगी है, ये तो कहना वो ऑफिशियल है नहीं, भाई हमको दिखाइए कहाँ लगी है, कैसे लगी है, तो नहीं दिखा दे रहा है। ऑनलाइन सारी चीज़ें फीस ली गई है तो ऑनलाइन दिखाई दे रहा है, मगर ये चीज़ तो नहीं दिखाई दे रही हैं। फिर उन्होंने कहा कि कहना कि इस विषय में आप से नहीं जानकारी है, आप प्रिंसिपल साहब से बात करें। तो हम प्रिंसिपल साहब के पास गए, प्रिंसिपल साहब से कहे कि भाई प्रिंसिपल साहब ये क्यों फीस ली जा रही है? तो उन्होंने कहा कि फीस इसलिए ली जा रही है कि यह सरकार के द्वारा का नाम 19,000 फिर से लगाया गया है। वो 16 तारीख को दिखा रहे थे कि 16 तारीख को जियो पास हुआ है, जिसमें वो भी नहीं दिखाया है कि 19,000 का अमाउंट कोई भी नहीं है, मगर बस इतना लिखा हुआ था कि अतिरिक्त फीस। तो अतिरिक्त फीस में अगर दो दिन हम आ रहे हैं एडमिशन के लिए आज सेकेंड काउंसलिंग करा के, और हमको आज ही बताया जाएगा कि 19,000 दीजिए आज, तो हम कहाँ से अपनी व्यवस्था कर पाएंगे? तो ऐसे में छात्रों का क्या कहना है? छात्रों का कहना है कि एक दिन में अगर आप ऐसे कर रहे हैं, कल की डेट में आप हम एडमिशन ले लें, फिर एडमिशन लेने के बाद अब कहेंगे कहना 50,000 का नाम सरकार कर रही है, एक दे रहे हैं दीजिए, फिर हम 50,000 दें। आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि इस पे कहना जो भी हो ऑनलाइन जैसे ऑफिशियल चीज़ें हमको बताई जा रही थी उसका 10 दिन का 15 दिन का मोहलत दिया जाए फिर जमा करने के लिए, कि हम फिर से व्यवस्था कर पाएँ, या तो कहना कर पाए या तो ऑनलाइन द्वारा ही हम जमा करेंगे जैसे पुनः जमा करते हैं।